हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गेमर्स, इस वीडियो में हम लोग क्लोज रेंज के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप अपना क्लोज रेंज फाइट कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गेमर्स, आपको पता ही होगा कि आजकल सभी बंदे यही बताते हैं कि आप अपना क्रॉस हेयर प्लेसमेंट सामने वाले एनिमी के हेड पे रखो। तो गेमर्स, मैं आपको बता दूँ, अब सिर्फ क्रॉस हेयर हेड पे रख लेने से आप हमेशा क्लोज रेंज फाइट नहीं जीत सकते हो। इसके साथ साथ आपको दो तीन चीज़ों का और ध्यान देना होगा, क्योंकि गेमर्स आपको पता ही होगा कि आजकल के सभी प्लेयर, जितने भी प्लेयर्स हैं BGMI में, मतलब थोड़े से पुराने प्लेयर, सभी को मूवमेंट करके फायर करना आता है। सभी बंदे या तो जिगल करते हैं या फिर कोई आपके सामने कोई अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कर देते हैं, जिसके वजह से आप क्लोज रेंज फाइट हार जाते हो। तो इसके लिए आपको मतलब क्रॉस हेयर हेड पे तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको दो तीन चीज़ों का और ध्यान देना है, और उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गेमर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गेमर्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गेमर्स, सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने अपोनेंट्स का मूवमेंट रीड करना है। मतलब आप समझे होंगे या फिर नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो गेमर्स, आपको ये ध्यान देना है और समझना है कि सामने वाला एनिमी मूवमेंट में जिगल कर रहा है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि फायर करते टाइम क्राउच कर लेना या फिर प्रोन कर लेना या फिर कवर का अच्छे से यूज कर रहा है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको उसके हिसाब से रिएक्ट करने में बहुत ईजी पड़ेगा, और आपका क्रॉस हेयर प्लेसमेंट ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगा, आपका एक्यूरेसी भी बेटर हो जाएगा, अगर आप ये समझ जाओगे तो। सबसे मेन पॉइंट क्लोज रेंज में यही आता है कि आपको सामने वाले अपोनेंट्स का मूवमेंट रीड करना होता है, और ये समझना होता है कि सामने वाला अपोनेंट्स कैसे मूवमेंट कर रहा है, और उसके हिसाब से ही रिएक्ट करना होता है। और गाइस, आपने प्रो प्लेयर्स को देखा ही हुआ कि उनके सामने बंदे कैसे भी मूवमेंट दे, वो लोग पहले उसके मूवमेंट को अच्छे से समझते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट करके अपोनेंट्स को हरा देते हैं। तो गेमर्स, आपको भी यही करना है। अगर आप अपने अपोनेंट्स का मूवमेंट अच्छे से समझ जाते हो तो आपका क्रॉस हेयर प्लेसमेंट ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगा और आपका एक्यूरेसी भी बेटर हो जाएगा। तो गेमर्स, आपके 90% चांस बढ़ जाएंगे कि आप फाइट जीत जाओगे। तो गेमर्स, सेकेंड थिंग, आपको साउंड सेंस का यूज करना है। बहुत बंदे हैं जो साउंड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, गेम में साउंड ही एक ऐसा है जिसके वजह से अगर एनिमी आपके सामने विजुअल नहीं है तो आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और एनिमी सेकेंड फ्लोर पे है, तो आप साउंड के थ्रू उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हो और उसके हिसाब से रिएक्ट करके, मतलब फ्री फायर देके या फिर मतलब नेड वेड करके फाइट को जीत सकते हो। तो गेमर्स, इसके लिए एक अच्छा हेडफोन लगेगा। तो अगर आपके पास अच्छा हेडफोन नहीं है तो सबसे पहले एक अच्छा हेडफोन लो और गेम में साउंड सेंस का भी यूज करो, आपका क्लोज रेंज फाइट जरूर इंप्रूव होगा। और गाइज, लास्ट पॉइंट जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फास्ट रिएक्ट करना है। मतलब अगर आप एनिमी को स्पॉट करते हो तो आप ट्राई करो, जल्दी से आप अपना एम उस पर एडजस्ट करो और फायर करना शुरू कर दो। अगर आप पहले से फायर करोगे तो आप डेफिनेटली फाइट को जीत जाओगे। तो आपको अपना रिएक्शन फास्ट करना है, और इसके लिए आप TDM खेल सकते हो, FPP में TDM खेल सकते हो, और ये ट्राई करना कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिएक्ट करो। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान देना, आपका क्लोज रेंज फाइट जरूर इंप्रूव होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा या फिर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, बाय।